Hello students, today we will learn about spherical mirrors. Now, what is a spherical mirror? See, when we have a case, suppose we have a spherical structure, a three-dimensional structure, that is called a sphere. Now, this sphere is cut into many parts by many a means. So let us suppose we have cut the sphere in this manner. Now the sphere, the original sphere, will be having some center. You can compare it with your tennis ball. अब अगर टेनिस बॉल को देखेंगे तो वो अंदर से हॉलो भी हो सकती है और सॉलिड भी हो सकती है. लेट अस सपोज हम हॉलो लेते हैं, तो हॉलो के टेनिस बॉल को अगर हम देखेंगे तो उसका स्फेरिकल शेप होगा और हर स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर होता है. अब जब हम स्फेरिकल मिरर्स की बात करते हैं तो हमने जो इसमें बात करी है वो सिर्फ इस वाले पोर्शन की बात करी है. अब स्फेरिकल मिरर्स में एक पोर्शन हमेशा शेडेड होता है, यानी नॉन रिफ्लेक्टिंग होता है, और एक पोर्शन हमेशा रिफ्लेक्टिंग होता है. रिफ्लेक्टिंग वाली साइड हमेशा आपके रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट रेस के काम में आती है, और नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड हमेशा लाइट रे को एब्जॉर्ब कर लेती है, विच क्रिएट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, जो हमने प्रीवियस वीडियोज में पढ़ रखे हैं. अब हम कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे. मिरर, स्फेरिकल मिरर का पार्ट, जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर है, उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, और इसकी एक खासियत है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट ऑलवेज एक्ट्स एज नॉर्मल फॉर द मिरर. मतलब जो आपका पार्ट होगा मिरर का, जो पूरे पर्टिकुलर पॉइंट, आपको इस पार्ट पर्टिकुलर पॉइंट की बात करनी है, इधर बात करनी है, हमेशा जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल इट नॉर ऐसे लिखेंगे हम इसको, नॉर्मल टू द मिरर विल ऑलवेज पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर ओनली. हमेशा आपके मिरर का नॉर्मल कहां से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से. यानी कि आपको अगर इस पॉइंट पे नॉर्मल खींचना है तो ये भी 90, ये खींचना है ये भी 90, तो हर नॉर्मल कहां से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से. अच्छा, उसके बाद में हमारे पास में कुछ एक टर्म्स और इंपॉर्टेंट है जो हमें धीरे धीरे पढ़ती जानी है. पहली टर्म पोल. जो आपने मिरर में से जो पार्ट कट किया है, ये अब आपके लिए आपके मिरर का वो पार्ट कहलाएगा, विद इट इज द टाइप ऑफ मिरर दैट यू वांट. तो आपके लिए अब बेसिकली जो रीजन ऑफ कंसिडरेशन है वो सिर्फ ये है. अब रीजन ऑफ कंसिडरेशन, पूरे स्फेरिकल मिरर में से आपने एक रीजन ऑफ कंसिडरेशन ले लिया, जिसको अब आप मिरर के नाम से जानते हो. इस पर्टिकुलर रीजन ऑफ कंसिडरेशन जो आपने पूरा लिया है, उस पार्ट का जो सेंटर होगा वो होगा उसका पोल. सो पोल इज द मिड पॉइंट और सेंटर ऑफ द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल कर्व मिरर, which we are considering. पूरे spherical curvature का वो curved हिस्सा जिसको आप consider कर रहे हो, उसका जो center या midpoint है वो क्या कहलाएगा, pole. फिर आता है आपका principal axis, या आपका दूसरा नाम होता है optical axis. जो एक्सेस या जो लाइन, जो स्ट्रेट लाइन आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को जोड़ती है, वो कहलाती है आपकी प्रिंसिपल एक्सेस. इट इज द स्ट्रेट लाइन विच जॉइंट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर
to the pole. It is the reference axis for measurement. हमें हर मेजरमेंट इसी एक्सेस के थ्रू इसी एक्सेस के ऊपर मिलेंगे, तो हम इसलिए इस एक्सेस को क्या नाम दे देते हैं, प्रिंसिपल या ऑप्टिकल एक्सेस. मेनली हम इसको टेक्निकल लैंग्वेज में, एक साइंस की लैंग्वेज में ऑप्टिकल एक्सेस नाम देते हैं. फिर उसके बाद में आता है थर्ड पॉइंट, एक वर्ड आता है पैराक्सियल रेस और एक होता है मार्जिनल रेस. ज्यादातर हमारे कोर्स में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो पैराक्सियल रेस के कॉन्सेप्ट पे ही बनते हैं. अब ये कॉन्सेप्ट क्या है पैराक्सियल रेस, पहले आप इसको समझिए. इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द कर्वेचर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल से हमारा मतलब है इट इज less than suppose approximately less than 5 degrees. It's a rough estimate, बाकी हम generally ये consideration देते हैं. तो वो rays क्या कहलाएंगी, paraxial rays. और अगर वो इससे ज़्यादा हो जाए तो वो rays क्या कहलाएंगी, marginal rays. कुछ जगह पे चीज़ों को ऐसे भी समझाया जाता है कि अगर ये कोई mirror है और ये कोई इसके principal axis है, तो principal axis के बहुत पास जो light ray incident हो रही हो वो टकरा के चाहे आप कहीं भी जाए, है ना, वो हम बाद में पढ़ेंगे कहाँ जाएंगी. अगर ये बहुत पास है, जैसे ये वाली एक्सिस के, ये बहुत पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम होगा. तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा तो वो रेस क्या कहलाएंगी, पैराक्सियल रेस. और अगर वो रे बहुत दूर है प्रिंसिपल एक्सिस के तो अपने आप एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा, तो वो फाइनाइट नहीं, मतलब एक वैल्यू आएगी फाइनाइट, तो हम उसे क्या कहेंगे, मार्जिनल रेस. तो हम जनरली जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो जूम करके पढ़ते हैं, बाकी एक्चुअली ये बहुत छोटा मिरर है, तो इसलिए हम सारे कॉन्सेप्ट में क्या लेते हैं, पैराक्सियल रेस. पैराक्सियल मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत स्मॉल होना चाहिए या वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होनी चाहिए, लगभग 5 degrees से कम का एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, तो हम उसको क्या मान लेते हैं, पैराक्सियल रेस. अदरवाइज वो मार्जिनल रेस है, पर हमारे कोर्स में पैराक्सियल रेस ही मानी जाती है, क्योंकि मिरर हमारे लिए इतना सा होता है, प्रैक्टिकली हम देखेंगे तो हमारे लिए जो कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर बहुत छोटा है, तो इसलिए हम उसमें क्या मान लेते हैं, पैराक्सियल रेस. अच्छा, फिर एक वर्ड आता है जिसको आप कहते हो फोकस. जहां पे जिस पॉइंट पे आपकी पैराक्सियल रेस टकराने के बाद में आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर वो सारी जिस पॉइंट से पास होंगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस तो बहुत छोटा है आपके पास, तो वो टकराने के बाद में जिस पॉइंट से पास होगी वो पॉइंट आप क्या नाम देते हो, इस कॉल्ड एज फोकस. बात समझ आ गई. तो पहली बात पैराक्सियल होनी चाहिए, दूसरी बात वो पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस होनी चाहिए. तो पैराक्सियल रेस दैट आर आल्सो पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ point on optical axis called as focus, and this focus is actually the midpoint, and this focus is actually the midpoint of pole and center of curvature. So pole focus F is midpoint of pole and center of curvature. ठीक है, ये अभी हम प्रूव भी कर देंगे कि कैसे हो रहा है. फिफ्थ एक पॉइंट आता है जिसको आप कहते हो फोकल प्लेन. मान लीजिए रेस
पैरेलल तो है, यानी पैराएक्सियल है और पैरेलल भी है, पर पैरेलल खुद के हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, कुछ इस तरीके से मान लो खुद के पैरेलल नहीं है, ठीक है, बट दे आर नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो दे मीट एट अ पॉइंट एंड दिस पॉइंट विल हैव अ टू डायमेंशनल प्लेन। तो यहां पे आपको पता चलेगा कि यहां पे फोकस था, फोकस का ही यानी फोकस के पॉइंट से अगर कोई परपेंडिकुलर प्लेन खींच दिया जाए तो उस प्लेन में जो पॉइंट आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, फोकल प्लेन। तो आप फोकल प्लेन को क्या डिफाइन करेंगे, पैराएक्सियल रेज यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा हो, दे आर पैरेलल टू ईच अदर बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड दे मीट एट अ पॉइंट विच इज इन टू अ प्लेन that consists of perpendicular plane of the point of focus. Focus जिस point पे है उसके perpendicular अगर आपने कोई axis पे plane बनाया, उस plane में paraaxial rays जो खुद के parallel हो but optical axis के parallel ना हो, तो वो उस plane के अंदर जाके किसी point पे meet करती हैं और तब उस plane को नाम क्या दिया जाता है, focal plane. Is it clear? अब हम इसका थोड़ा बहुत डेरिवेशन करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सबसे पहली बात हमने ये पढ़ा है कि फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ गैलेक्सी। ऐसा हमेशा ट्रू नहीं होता है क्योंकि फोकस को हमने डिफाइन किसके लिए किया है, फॉर पैराएक्सियल रेज एंड विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप बात को थोड़ा ढंग से समझिएगा हम क्या कर रहे हैं। देखिए ये कोई आपका मिरर है, ये कोई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहां पे अभी कोई पॉइंट आएगा ये हमें पता नहीं है, ये पोल है। मैं कह रहा हूं आपके पास में कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है जो खुद के भी पैरेलल है और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है, तो इस लाइट रे को आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ यूं जाना चाहिए इस पर्टिकुलर पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट है क्यू, और हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर में हमेशा नॉर्मल पास होता है, मिरर का नॉर्मल हमेशा कहां से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो लेट अस सपोज दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज रे ए बी, राइट, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एंगल ए बी सी शुड बी इक्वल्स टू एंगल क्यू बी सी बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे वो ध्यान होगा आपको, क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं, तो अगर ये आई है तो ये भी क्या होगा, ये आर होना चाहिए विच विल बी इक्वल टू आई। अच्छा अब आपको एंगल ए बी सी इक्वल टू दिख रहा होगा एंगल बी सी क्यू के, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि हमने क्या बोला था ये ए बी इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो मतलब ये भी आई हो गया, डन। अब आप देखिए ये आई, ये भी आई और ये भी आई, तो मैं इसको मिटा के आई कर देता हूं, तो आपको नजर आ रहा होगा कि ट्राइंगल बी क्यू सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, करेक्ट। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये क्यू ये सी ये बी, और इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है स्मॉलर क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में, कि अगर आप इसके थर्ड वर्टेक्स यानी जहां पे दो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो एंगल इक्वल हैं उनके अपोजिट से थर्ड वर्टेक्स से अगर आप इसके अपोजिट साइड पे कोई लाइन खींचते हैं विच इज परपेंडिकुलर टू द थर्ड साइड, तो 100% वो इस थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये कोई डी पॉइंट है तो मतलब ये वाला पार्ट अगर इक्वल है डी सी एक्स है तो ये भी कितना होगा एक्स, तो मतलब अगर मैं इसके थर्ड पॉइंट से इधर कोई परपेंडिकुलर खींचूं तो मेरे पास में DC विल बी इक्वल्स टू DB होगा, तो DC विल बी इक्वल्स टू DB इन ट्रायंगल। और आप नोटिस करिए आपने बोला ये परपेंडिकुलर है पर हमें पता था कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस, सेंटर से किसी भी सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है उसका रेडियस, तो दैट पार्ट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर P से C रेडियस है तो C से B भी तो रेडियस ही है, और ये कह रहे हो आप तो CB की वैल्यू कितनी है, R के बराबर है, रेडियस के बराबर,
दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और ये आप कह रहे हो कि मिड पॉइंट है इन दोनों का, तो मिड पॉइंट मतलब ये भी आर बाय टू और ये भी आर बाय टू, तो इन दोनों की वैल्यू बी सी इक्वल्स टू डी बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, आर बाय टू। अब आप ट्राइंगल देखिएगा, ये वाला ट्राइंगल बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो आपको ट्राइंगल नजर आएगा, ट्राइंगल सी डी क्यू। अगर मैं इस ट्राइंगल का सुन रहा हूँ तो डी पे 90 डिग्री बन रहा है, ये क्यू ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, ठीक है, और ये जो आपका डी सी डिस्टेंस है ये आर बाय टू है, तो मुझे निकालना है सी क्यू, ये वाला पार्ट, तो ये आई है तो ये बेस हुआ, ये हाइपोटेन्यूज हुआ, तो कॉस आई कैन रिटर्नस बेस मतलब आर बाय टू अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब सी क्यू, तो सी क्यू कैन रिटर्नस आर बाय टू अपॉन कॉस आई, विच कैन रिटर्नस आर सेक आई बाय टू, वन अपॉन कॉस आई सेक आई, तो सी क्यू की वैल्यू मिल गई मुझे, डन। अच्छा अब आप नोटिस करिए क्यूपी की वैल्यू, क्या मैं क्यूपी को हम लिख सकते हैं पी सी माइनस सी क्यू, पूरे पीसी में से हम सी क्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा क्यूपी, तो हम दोनों माइनस करेंगे तो पी से सी का डिस्टेंस तो रेडियस ही था, दैट इज आर, माइनस सी क्यू की वैल्यू कितनी होगी आर बाय टू सेक आई, तो अभी हमारे पास क्यूपी की वैल्यू कितनी आ गई दिस। और अगर हमने ये कह दिया कि ये बहुत ज्यादा पास है, यानी कि हम मान के चल रहे हैं कि इंसिडेंस एंगल इज नियरली अप्रोचिंग जीरो, मतलब बहुत पास है, तो पैराग्राफ रेज होगी क्योंकि तो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं, तो ये बहुत पास आएंगी, तो अगर ये नियरली जीरो हो गया तो हम sec i मतलब sec जीरो की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी मान लेंगे, वन, वन मानते हैं, ये इक्वेशन क्या बैठ जाएगी r माइनस r बाय टू, दैट विल बी इक्वल टू r बाय टू, और यही r बाय टू वैल्यू qp हो जाएगी, और ये qp क्या था, पॉइंट ऑफ फोकस, यही तो फोकल पॉइंट माना था आपने, फोकस का पॉइंट, ये डिस्टेंस कितना हो गया फोकल लेंथ, दैट इज फोकल लेंथ, दैट बिकम्स r बाय टू, तो f की वैल्यू तब कितनी आ जाती है r बाय टू। इसका मतलब ये है कि f इक्वल टू r बाय टू सब कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं करता, ये सिर्फ तभी सही होता है जब आप ये मान लें कि आपके पास में जो भी कंसिडरेशन है वो सिर्फ पैरा एक्सियल रेज विच आर पैरेलल टू योर ऑप्टिकल एक्सिस, सिर्फ उसी कंसिडरेशन में, और क्योंकि आपके पास में मिरर बहुत छोटा होता है तो आप ये हर जगह अपने न्यूमेरिकल्स में सही मान सकते हो, और यही आपने टेंथ में भी पढ़ा था कि f इक्वल टू r बाय टू होता है, द रीजन इज दिस, एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है वो ये है, सपोज समझ में आ गया आपको, इसको नोट डाउन कीजिए, तो एक्चुअल फॉर्मूला ये है, ये हमने कंसिडरेशन माना है क्योंकि प्रैक्टिकली जब हम डील कर रहे हैं तो मिरर हमारे रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है और जो लाइट रे आ रही है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और बहुत छोटे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे बन रही है, इसलिए हम उसको मान लेते हैं कि जो मिड पॉइंट है पोल और सेंटर का वो एग्जैक्टली फोकस है, और ये लेंथ इसकी जस्ट हाफ होगी, यानी आर की आधी फोकल लेंथ होगी, इसलिए एफ इक्वल टू आर बाय टू, और इसीलिए फोकल पॉइंट हमेशा सेंटर ऑफ अपर्चर ऑफ पोल का मिड पॉइंट ही माना जाता है। इज इट क्लियर? अब सपोज कीजिए हम इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं, देखो कॉम्पिटिशन में कैसे घुमाया जाता है, अब वो तो मान के चलेगा कि आपको पता है एफ टू आर बाय टू, आपको ये लॉजिक पता ही नहीं है, तो वो क्वेश्चन कैसा देगा, जिस बच्चे को ये लॉजिक नहीं पता वो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकता, कैसे, वो क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से घुमाते हैं, ये कोई मिरर है, ये इस मिरर में हमारे पास आ गया सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आ गया आपका पोल, यहाँ कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो ये उसके लिए नॉर्मल का काम करेगा, और एक कोई लाइट रे यहाँ से क्यू पॉइंट से पास होती है, सपोज करो ये डिस्टेंस तो है वाई, और ये जो आपका रेडियस का डिस्टेंस है इसको आप मान लो कुछ भी, लेट अस सपोज आर, और ये जो पैरेलल एक्सिस से दी है ये मान लेते हैं हम एक्स। अच्छा अब ये जिस एंगल पे इंसिडेंट होगा मान लो ये थीटा, तो ये थीटा और ये थीटा, तो ऑल्टरनेटिवली ये भी थीटा, तो इस ट्रायंगल को देखिए ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी, ये पॉइंट हो गया सी, ये हो गया थीटा एंगल, ये हो गया आपका यहाँ पे थीटा, और ये आ गया आपका ए विच इज 90 क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, और ये बी, ठीक है, तो ये डिस्टेंस का हो गया आर, ये हो गया एक्स, तो अगर आप निकालोगे यहाँ से तो इसकी वैल्यू आएगी रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट, अगर ये मेरे पास वैल्यू है तो मैं कह सकता हूँ
कि मेरे पास में यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आएगी बेस यानी कि रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि r, तो sec थीटा की वैल्यू कितनी होगी r अपॉन रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ये qp कितना तरह का है y, तो अगर आप डायरेक्ट आंसर निकालोगे तो आपको लगेगा ये फोकस है क्योंकि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पासस थ्रू फोकस, यही पढ़ रखा है हमने, पर क्वेश्चन में कहा ही नहीं है कि ये पैरेलल एक्सिस ये पैरा एक्सियल रेज है व्हिच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, नहीं कहा क्वेश्चन में, तो फिर आपके लिए फोकस नहीं होना चाहिए, पर आपने मान लिया ये फोकस क्योंकि आपके हिसाब से तो पैरेलल वाली हमेशा कहां जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आती है उनसे कहां जाती है फोकस पे। अब देखिए अगर ये डायरेक्ट आप निकालोगे तो आपके हिसाब से ये आर है तो ये पूरा आर है तो आपकी वाई की वैल्यू आर बाय टू आ जानी चाहिए। आप चेक करो इस फॉर्मूले से क्यू पी इज वाई, तो हमारा फॉर्मूला क्यू पी के लिए कितना होना चाहिए आर माइनस आर बाय टू सेक ऑफ इंसिडेंस, तो इंसिडेंस एंगल आप कौन सा है थीटा, तो सेक थीटा, तो आर माइनस आर बाय टू और सेक थीटा की वैल्यू r by root r square minus x square, तो your value becomes r minus r square by 2 root r square minus x square, which is not actually equal to r by 2, समझ में आए? तो जरूर नहीं है, जब तक question में ना आ जाए कि angle of incidence बहुत कम है तो आप ये कह नहीं सकते क्योंकि ये तो measurable distance पे ला दिया इसने, measurable distance का मतलब है paraxial नहीं marginal है, और अगर पहला एग्जाम्पल ये मार्जिनल है तो फिर ये कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता, इसका मतलब मार्जिनल रे में जरूरी नहीं ये हमेशा पैरेलल लाइट रे हमेशा कहां से पास और फोकस से, ये जरूरी नहीं है, वो डिस्टेंस फिर हमको इस फॉर्मूले इस कॉन्सेप्ट को यूज करके निकालना पड़ता है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर, अब समझ में आ गया होगा। तो वो पैरेलल एक्सिस हमेशा फोकस से पास होती है, पैरेलल वाली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से जो पैरेलल पास होती है वो हमेशा फोकस से पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, सिर्फ कब, जब हम मान के चल रहे हैं कि दो आर पैरा एक्सियल एंड दो आर नॉट मार्जिनल, अगर मार्जिनल है तो फाइनाइट डिस्टेंस होगा तो 100% दे आर नॉट पासिंग टू द फोकस, दे आर पासिंग एट सम अदर पॉइंट, करेक्ट। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, अब सपोज करते हैं कि हमारे पास में एक क्वेश्चन आ रहा है, दिस इज योर पर्टिकुलर मिरर पार्ट, यहां पे आपने कोई लाइट रे इंसिडेंट करी विच इज पैरेलल टू दिस पार्ट, मतलब ए बी इज पैरेलल टू योर प्रिंसिपल एक्सिस, करेक्ट, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज द नॉर्मल फॉर योर मिरर, ये इसके बाद में एक पॉइंट जो कि पोल पे लाइ करता है वहां से पास होती है और आपको कह दिया गया है कि ए बी इज पैरेलल टू बी पी, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, करेक्ट है, तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है विच शुड बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस ओनली, मतलब अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए थीटा। अच्छा अब अगर आपके पास में ये सपोज करते हैं सपोज कि मान लीजिए आपके पास में एक, तो एक आपको एंगल नजर आ रहा होगा एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू एंगल बी सी पी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दैट मीन्स अगर ये थीटा है तो ये भी कितना है थीटा। अच्छा उसके बाद में सपोज करते हैं कि हमारे पास में यहां से कोई लाइट ये है पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, अगर मेरे पास में देखिएगा आप चीजों को नोटिस करना आपको बहुत अच्छी चीज समझ में आएगी, चाहे आप इसको ना भी लो तो भी चलेगा, अभी आप देखो ये रेडियस का काम करेगा और ये भी रेडियस का, क्योंकि अल्टीमेटली घूम के तो ऐसे ही जा रहा है इस पॉइंट से, यूं ही तो घूम रहा है, तो मतलब सी बी विल बी इक्वल टू सी पी, रेडियस ऑफ सेम स्फेरिकल मिरर, मिरर को पूरा करोगे स्फीयर का तो उसका सेंटर ये आएगा और उस सेंटर का ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, तो सी पी इक्वल टू सी बी और ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज थीटा। अच्छा आप ये दोनों बराबर आ गए,
अगर ये दोनों बराबर हैं तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, तो इसका मतलब इस पूरे ट्रायंगल में ये जो सी बी पी ट्रायंगल है, अगर ये थीटा है और सी बी इक्वल टू सी पी है, तो ये थीटा है ये भी थीटा होना चाहिए, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो दैट मीन्स एंगल सी बी पी विल बी इक्वल टू एंगल बी पी सी दैट इज इक्वल टू थीटा, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अब आप ट्रायंगल सी बी पी देखिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे हम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, तीनों एंगल्स का सम करके 180 डिग्री, तो दैट मींस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो 3 थीटा शुड बी 180, तो थीटा शुड बी 60 डिग्री, यानी कि अगर आप पैरेलल रेज पे 60 डिग्री पे एंगल ऑफ इंसिडेंस रखोगे तो उसकी जो लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन है वो कहां से पास होगी, पोल से। इज इट क्लियर? अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन थ्रू वेरियस मिरर्स। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हम मिरर कौन से पढ़ रहे हैं और कितने टाइप के पढ़ रहे हैं। एक मिरर हमने पढ़ रखा है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में हमने पढ़ा था कि इट इज एक्चुअली अ मिरर व्हिच डज नॉट हैव अ फोकल लेंथ, मतलब उसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है क्योंकि वो नॉन एंडिंग मिरर होता है। तो प्लेन मिरर कभी भी स्फेरिकल मिरर का पार्ट नहीं होता है। अब स्फेरिकल मिरर्स के पार्ट में हमारे पास में दो मिरर्स आते हैं। पहला मिरर जिसको हम कॉनकेव कहते हैं और दूसरा जिसको हम कॉन्वेक्स कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर बात करें तो कॉनकेव मिरर यानी कि अगर आपके मिरर को कुछ इस तरीके से समझा जाए कि उसकी नॉन रिफ्लेक्टिंग यानी पॉलिश साइड और उसका कर्व का जो पार्ट है उसी तरफ अगर आप उसको पूरा करोगे तो सेंटर आएगा इस तरफ, तो फोकस भी इस तरफ ही आएगा और पोल इधर होगा। तो अगर आपका सेंटर और फोकस इज लाइंग ऑपोजिट टू द नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड, नॉन रिफ्लेक्टिंग या पॉलिश्ड साइड पे लाई कर रहा है, पॉलिश साइड ऑफ मिरर, देन इट इज कॉनकेव। और यही चीज अगर मैं इधर से सपोज करो ये वाला पार्ट ले लेता हूं, ठीक है, जैसे कर लिया ये वाला पार्ट, ये इस पार्ट की बात हो रही है, वो इधर बना रहा हूं सॉरी। तो ये अगर आप पूरा करोगे तो इसका सेंटर तो इधर आएगा, ठीक है, और मान लेते हैं कि इधर ही इसका पॉलिश पार्ट भी है, तो ये मिरर अब पॉलिश साइड यानी नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड और सेंटर दोनों सेम तरफ आ गए, सेम तरफ आ गए तो क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स। यानी अगर ये अपोजिट साइड पे है तो कॉन्केव, अगर ये सेम साइड पे है तो वो क्या हो गए, कॉन्वेक्स मिरर। अब जब हम रिमेज इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो हम चीजों को और समझेंगे कि हमने किसको कॉन्केव बोला है, किसको कॉन्वेक्स बोला है और कॉन्केव और कॉन्वेक्स में क्या क्या प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। Now we'll learn about some basic terms also that is related to the mirror. One we have already previously learned about radius of curvature, and now we are talking about a term called aperture. As you can see, aperture is actually the region to which your light is exposed, the region of the mirror to which the light is exposed. And we are considering here that radius of aperture is greater than the radius of curvature is greater than the aperture of the mirror. Now, the light is exposed, suppose if to this region, this will be the aperture. But if you cover somewhat part from both up and down of the mirror and then the light will be exposed to only this much part, this will be then termed as the aperture. In mathematical terms, aperture is the vertical diameter of the mirror. And here we are considering that the radius of curvature is always greater than the aperture of the mirror, because in terms of spherical mirrors, we are considering only about paraxial cases. And hence the aperture will always be smaller than the radius of curvature, and since the aperture is very small, so the angle of incidence and angle of reflections and all those angles that are measured in comparison to the mirror or the curvature of the mirror will be termed as very small. And hence in derivations you will be able to write sin i is nearly equals to i, sin theta will be nearly equals to theta, and all other angles.